याद के फेर के अरवाब शरीफ में बताए नबला भाई से लोग डोलना भी बायस दिए अपा पुलिस वाले कह रहे होंगे दोनों मोटरसाइकिल पर बोला के ना तो पोलता ना को झगड़दार ना बड़ी दिहाड़ी बनती भाई भी के तरह साझ ना पौवा भी पीना जरूरी था। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनौदा की राम राम। आज आप बैठे हैं अपना काम दनौदा में। आपने पता है वह आंदोलन 3-4 महीने तक चल रहा है और जो हमारे साथ मिरासी है यू भी अपना इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग दे रहा है क्योंकि 36 जात का यू आंदोलन है और एक दिन भी ईसा नहीं चलता जिस दिन इसकी टोल प्लाजा बदौल पास हरी नहीं होती। और 3 खापा के प्रधान है, इन तक पूछेंगे वह 3 खाप कौसी कौसी है। तो राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो प्यार भरा सलाम। हाँ। राम राम शास्त्री कर। अच्छा, कौसी कौसी खाप जिसका प्रधान हो। देखिए, शुरू से हमारे 52 गांव हैं, एक तो इनका प्रधान हूँ मैं। हाँ। और दूसरे हैं खेड़े खाप जो चौधरी वीरेंद्र सिंह और के 24 गांव हैं, उनका प्रधान हूँ मैं। और तीसरे हैं मुंडाड़ खाप जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव है। तकरीबन आधे हरियाणा का मैं प्रधान चुन लिया गया पिछली साल। और आंदोलन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग ये 5 महीनों से चल रहा है और सरकार की नीयत जो है उसके अंदर खोट है। अब जो है हर जन समूह, इस ये किसान कोई हिंदू या सिख या ईसाई नहीं है, मुस्लिम भी इसके साथ हैं। मैं मुस्लिम खपों का प्रधान हूँ और पूरे जोर से पूरी ताकत से इसके साथ लगे हुए हैं। हमारे जितने भी मुस्लिम लोग हैं उन्होंने सब ने कहा कि प्रधान जी किसानों का समर्थन कर दे। मैं उसी दिन से किसानों के समर्थन में उतर गया और रोज़ाना से बद्दवाला टोल के ऊपर किसानों के हक में हाजिरी लगाता हूं और वहां बोलता हूं। हर लाइन से, जान से, माल से, जिस भी लाइन से किसान मेरी मदद चाहेंगे मैं मदद के लिए तैयार हूं हमेशा के लिए। एक सुनी थी ललित कुछ चाली थी, एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी, जो कुछ पुलिस प्रशासन है एक लड़का की डांडी उतार के ले गए थे, उनकी ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ऐसा है, देखिए पुलिस के कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं। मैंने पिछली साल कोरोना के अंदर देखा था, एक डिप्टी, वो क्या नाम है इनका, एसडीएम थे करनाल के अंदर, बहुत सुथरी शक्ल के लड़के थे वो और लगभग 35 साल की उसकी उम्र थी। उसने करनाल के अंदर उसका दौरा था गाड़ी के अंदर, जब उसको पता चला कि एक यूपी का परिवार है मजदूर, उसको किराए की बदौलत किराएदार ने मकान से बाहर निकाल दिया, वो सारी रात बाहर पड़े रहे और वो जो था पुलिस अधिकारी उसने आकर उनसे पूछा कि बाहर क्यों है भाई, लॉकडाउन लगा हुआ है। उन्होंने कहा ऐसा है जी, मकान जो मालिक है उन्होंने हमें बाहर भगा दिया, इसलिए हम 9-10 सदस्य हैं घर के, वो बाहर निकाल दिए और बाहर पड़े हैं, जाएँ कहाँ, जाने के लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन वो DSP जो था बहुत खूबसूरत था, गोरे रंग का, मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। मैं उस मौके पर होता तो मैं उसको पता नहीं क्या इनाम देता, ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी। उसने ऐसा काम किया, जो किराएदार थे उनसे बात की कि आपका किराया कितना है, उन्होंने बताया कि 2 महीने का लगभग इनके अंदर हमारा किराया बाकी है। अब उस साहब ने, पुलिस अधिकारी ने उनका 2 महीने का किराया भी उस औरत को दे दिया, औरत थी वो, और उन्होंने उनका कुछ सामान रोका हुआ था वो दिलवा दिया। आगे के लिए 1 महीने के लिए उसने ऐसा किया कि 1 महीने का किराया एडवांस दूसरे मकान के अंदर उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। अब ऐसे पुलिस अधिकारियों को तो मैं बार बार सलाम करता हूँ। कैथल के अंदर एक SP आए थे 1995 के अंदर, वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब कहने का मतलब कहने का मुद्दा ये है, पुलिस सारा पुलिस प्रशासन बेकार नहीं है, कुछ लोग गंदे हैं। ऐसे गंदे लोगों से हमें घृणा भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के साथ।
जब ये ऐसा करेंगे तो बताओ देश की रुखाल कौन करेगा। जिस प्रकार सर मैं लाठीचार्ज होया था बहुत उस टाइम गलत होया था, लेकिन एक फैसला कर दिया था कोई ना उन पर मुकदमा करेगा ना किसान ना पड़ेगा, उसके बावजूद भी किसान ना के मुकदमे चल रहे हैं। जो 24 तारीख ने ये भी किसान जावेंगे पुलिस प्रशासन तय तो ये बागे उनका क्या फैसला आना चाहिए। ऐसा है जो वो पुलिस अधिकारी है DIG उन्होंने तो फैसला लिया था कि हम भी नहीं केस करेंगे और किसान भी नहीं केस करेंगे। अच्छा आगे रही बात ये, उन्होंने प्रशासन के दबाव में आकर हमारे किसानों पर जो मुकदमे लगा दिए ये अच्छा नहीं किया, ये हमारे साथ धोखाधड़ी है और धोखाधड़ी का रिजल्ट आगे आने वाले समय भी बताएगा इन लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरकार देखिए, सरकार आने जाने वाली है, DIG नहीं आए जाएगा, ये तो अपने पद पर बैठा रहेगा। इनको सरकारी जो कर्मचारी है DIG जो है इसके मुकाबले में मुख्यमंत्री कुछ नहीं, मुख्यमंत्री आज है कल नहीं। अगर पब्लिक चाहेगी इसको गिरा देगी, जगह जगह हम प्रदर्शन और धरने किए हुए हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं जैसे DIG है, SP है और भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोलते, वो हमारे बच्चे हैं, हमसे पैदा हुए, हम उनसे हैं, वो हमारे से हैं, बल्कि उनको इस जनता का सहयोग करना चाहिए, अच्छा और बेहतर यही है। 24 तारीख को के मोल होगा, अब के संदेश दोगे किसान भाइयों ने? अब ऐसा है जिन लोगों पर इन्होंने मुकदमे बनाए हुए हैं, हम DIG से साहब से अपील करेंगे कि ये जो आपने इनके ऊपर केस बनाए हुए हैं वो वापिस ले लें, वरना इसका रिजल्ट हम पुलिस के भी खिलाफ जाएंगे, फिर बाद में इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से हमारे उस DIG को हम उसके बड़े आदब और एहतराम के साथ अदब करते हैं, वो सरकार से ना घबराते हुए आवाम से घबराए, सरकार क्या बिगाड़ेगी, जो वो तनख्वाह ले रहा है इस आवाम के जनता के इससे ले रहा है, वो कोई मुख्यमंत्री अपने घर से थोड़ा दे रहा है। ऐसा है अगर जनता चाहेगी, जनता किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी बनेगा, वरना इनके जगह और पैर थोड़े होते हैं। इसलिए मैं बार बार DIG से अपील करूंगा और आपके माध्यम से वो मेरी इस वीडियो को देखकर अच्छे जैसे मैं उसे पुलिस करनाल का जो पिछली साल कोरोना के अंदर पुलिस अधिकारी था उसकी तारीफ कर रहा था, इसी तरह से पूरे हरियाणा के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिसार के DIG की तारीफ करेंगे, वो अपने मुकदमे वापस ले ले, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो जो मीरासी ने बात कही है बहुत बढ़िया बात कही है, तो आप भी 24 तारीख ने जो बहुत किसान पहुँचेंगे आप किसान नाम शामिल हो हैं और जो IG का ऑफिस है उसका शामी धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि यह खबर सारा फैल जाए। जय जवान जय किसान।